दीपक सिंगला, सिंगला एग्रो फूड जनभोग बासमती की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली मंगलमय हो। मैं जाखल मंडी वासियों से अपील करता हूं कि दिवाली सेफ होकर बनाएं। आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। राज्यसभा सांसद और पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार जनता का समर्थन खो चुकी है। बड़ौदा में गठबंधन के चक्रव्यूह को जनता ने तोड़ दिया है। मंगलवार देर शाम पूर्व विधायक परमिंदर ढुल के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा की जनता ने भाजपा गठबंधन को उसकी औकात बता दी है। बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को भी मनचाहा स्टेशन देने का प्रलोभन देकर उनके गांव में बूथों पर जिताने के लिए भेजा गया। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी बड़ौदा की जनता ने गठबंधन को नकार दिया। इससे साफ है कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जींद उपचुनाव में जींद की जनता से बहुत वायदे किए थे, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। पूर्व विधायक परमिंदर सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी की औपचारिकताएं होती हैं, जिनको पूरा करने के बाद ढुल कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव में हार को देखते हुए गठबंधन सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस सरकार के 4 साल अभी बचे हैं और वो चुनाव हार जाए, इससे बुरी हार और क्या हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन सरकार प्रदेश में जल्द गिर जाएगी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक जयप्रकाश समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल मौजूद हुए। आई अनीश सिंगला फ्रॉम सिंगला राइस मिल्स जाखल विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजंस ऑफ जाखल मंडी टू स्टे होम एंड स्टे सेफ, एस्पेशली द चिल्ड्रन टू स्टे होम एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। द कोरोना वायरस इज स्टिल एक्टिव इसमें जैसे मैंने कहा कि ये सरकार विश्वास खो चुकी है, ये सरकार, इस सरकार की नैतिक हार हुई है। ये सरकार 4 साल जिस सरकार के बचे हों और इस प्रकार से कोई चुनाव हार जाए गठबंधन के बाद, जो है मैं समझता हूँ ये विश्वास लोगों का खो चुकी है। नैतिकता के आधार पर जो इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र को ठेस भी पहुँचाया, सब कुछ किया, मगर लोग काबू में नहीं आए, क्योंकि लोगों की जीत है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और स्वयं ही, मैं समझता हूँ, बाकी आने वाले समय में अगर ये जनता का विश्वास खोकर चलना चाहेंगे, कितना लंबा चाहेंगे, इस बात में तो जो है कोई कुछ नहीं। मैं डॉक्टर अजय गर्ग अपनी तरफ से और अजय हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को देना चाहता हूं। और जो 2020 में बुरा वक्त लोगों ने देखा है, मैं ये कामना करता हूं दीपावली के शुभ अवसर के बाद ये बुरा वक्त खत्म हो जाए और आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा हो। धन्यवाद। सारे हथकंडे अपनाए मगर जनता ने बता दिया कि हरियाणा की जनता, बड़ौदा की जनता जो है बिकाऊ नहीं, टिकाऊ है। और उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव बड़े बहुमत से पारित किया, जिसके लिए हम बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को आशीर्वाद मिला, भालू को आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी को ताकत मिली, हमको सबको ताकत मिली, ताकि आने वाले समय में ये जो सरकार है, जो जनहित, जो जनता में जो विश्वास खो चुकी है, इस सरकार हर वर्ग की लड़ाई, खासतौर पे किसान की, मजदूर की, नौजवान की लड़ाई इस सरकार से लड़े, ऐसा वहाँ पे जो है आज निर्णय आया है लोगों का। मैं डॉक्टर दीपांश भाटिया सभी शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि इस टाइम पे सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचें, मास्क दोनों चीज़ों के लिए, पोल्यूशन से बचाव के लिए भी और जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसके बचाव के लिए मास्क डाल के रखें और अपना सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। लोगों ने समझा कि सरकार की जो नीयत है ये केवल वोट लेने की नीयत है, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा। हरियाणा की जो दुर्दशा है, हरियाणा में हर वर्ग जो त्रस्त है सरकार से, वो सबसे बड़ा मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा अविश्वास सरकार के प्रति। दूसरा एक ये मुद्दा रहा
कि लोगों का एक आशीर्वाद मिला चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को कि आप लड़ाई लड़े। इस जो है उनकी तरफ मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश देख रहा है, बड़ौदा के लोगों ने एक संदेश दिया कि आप कांग्रेस पार्टी ही आने वाले समय में एक सरकार से लड़ाई ले, हर वर्ग की लड़ाई लड़े, खासतौर पर किसान की, नौजवान की, गरीब आदमी की, मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, आरएमसी राजस्थान मेडिकल सेंटर के परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एवं मैं जानकारी देता हूं, आरएमसी में 1.5 टेस्ला एमआरआई लगा दी गई है एवं इसकी सुविधाएं जल्दी ही जनसाधारण को उपलब्ध हो जाएंगी, आप इसकी सेवाएं ले पाएंगे। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। लगता हूं कि ये बड़ौदा का जो चुनाव है निर्णायक है, एक ये जो नतीजा है बड़ौदा का, इससे आज बड़ौदा की गिनती तो खत्म होगी, मगर बड़ौदा की गिनती तो खत्म हुई मगर खट्टर सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी। क्योंकि लोगों का जो विश्वास किसी से मन भर जाता है किसी सरकार से, तो मैं समझता हूँ कि उस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ये सरकार, ये वैसे भी सरकार आपने देखा, ये अंतर विरोधों से पे के बेस पे बनी हुई सरकार है। नमस्कार साथियों, मैं दीप सिंह पुनी पूरे पुनी संस्थान की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये पर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे और आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों बना रहे और भगवान आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी करती बख्शे। धन्यवाद। इस सरकार के तीन जो है टांग हैं इस सरकार की कुर्सी के, एक बीजेपी, एक जेजेपी, एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आप देखते हैं अलग अलग इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट ने समर्थन भी दिया हमें, वो इंडिपेंडेंट की टांग भी लंखड़ा रही है। जेजेपी के तो बहुत लोग के पांच इनके विधायकों के बयान अलग अलग आ चुके हैं, इनके पार्टी के जो है स्टैंड से अलग आ चुके, किसान के मुद्दे पर भी आ चुके हैं, पांच लोगों ने किसान का साथ दिया, कुर्सी का साथ नहीं दिया, ये तीन अध्यादेशों पे तीन जो एक्ट बने, तो वो भी कुर्सी की जो है वो टांग भी लंखड़ा रही है। और बीजेपी के भी कई विधायक आपने देखा, एक विधायक अपना सचिवालय के बाहर धरने में बैठे थे। तो ये जो सरकार है, ये इनकी जो कुर्सी है, घमंड में तो हैं मगर ये जो है इनकी कुर्सी जिस दिन तीन टांगों पर आधारित है, तीनों टांगें लंखड़ा रही हैं और इस नतीजे से जो है सरकार को हिलाने का काम। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, आरएमसी राजस्थान मेडिकल सेंटर की परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एवं मैं जानकारी देता हूं, आरएमसी में 1.5 टेस्ला एमआरआई लगा दी गई है एवं इसकी सुविधाएं जल्दी ही जनसाधारण को उपलब्ध हो जाएंगी, आप इसकी सेवाएं ले पाएंगे। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सिलेंडर के लिए हम दो दिन कहते रहे, दो दिन के बाद चुनाव आयोग का आदेश आया आखिर में कि जब तक तो बट लिए थे, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को और मुस्तैदी से काम करना होगा अगर प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास हमारे देश का पूरी तरीके से बना रहे। इसके लिए चुनाव आयोग को और भी ज़्यादा सतर्कता से मैं समझता हूँ कार्रवाई चुनाव आयोग करे तो ज़्यादा उचित हो। एमपी साहब भी ये देखिए मैं बताऊँ, उनके बीच में ये भी बात आई थी बीजेपी के दो तीन लोगों ने, जिनमें वो भी शामिल हैं, जिनमें एक दो प्रभारी जो मंत्री लगाए वो भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से अगर हार गए तो हम संन्यास लेंगे। तो आप पहले उनसे वो पूछो, आप लोग से ये सवाल पूछना कि भाई अब तो हो गया, नतीजा आ गया, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे, तो पहले आप उनसे ये जो है यहाँ तो अभिमन जो आप कह रहे हैं, यहाँ तो चक्रव्यूह को तोड़ने का काम हमने किया है। बीजेपी, जेजेपी, सारी सरकार की शक्ति, सारे मंत्री और दूर दूर से लाकर सारे सरकारी अफसर अधिकारी जिनका दुरुपयोग किया गया सरकार ने कि आपको अगर पोस्टिंग चाहिए आपकी, मैं एक एक का नाम क्या बताऊँ, आपको भी आप भी जानते हो कहीं कि भाई अगर आप पोस्टिंग चाहिए तो आप अपने गाँव में जाओ, अपनी वोट अपने बूथ पर जिताने का काम करो। और धनबल हर तरीके का, जिस तरीके से खुला खेल हमने देखा
मैंने रोहतक लोकसभा चुनाव में भी देखा था, बहुत बीजेपी ने पैसा मतलब करोड़ों के कई सौ करोड़ खर्च किए थे, मगर मैं समझता हूँ कि यहाँ वो भी सारी सीमाएं इन्होंने लांघने की का कोशिश करी, तो निसंदेह जो जो है इनकी नैतिक हार भी हुई। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, आरएमसी राजस्थान मेडिकल सेंटर की परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, एवं मैं जानकारी देता हूं आरएमसी में 1.5 टेस्ला एमआरआई लगा दी गई है एवं इसकी सुविधाएं जल्दी ही जनसाधारण को उपलब्ध हो जाएंगी, आप इसकी सेवाएं ले पाएंगे। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जो अपना ढुलसा है अपनी ओर से, मैं अपनी ओर से इनका इनका बड़ा प्रभाव हल्का है बड़ा हल्का है बड़ा हल्का, इन्होंने सही समय पे इन्होंने सही निर्णय लिया, एक निर्णय लिया का बहुत निर्णय का बहुत प्रभाव जो है इनकी जो है इनकी इनका खुद का एक संघर्ष है और संघर्ष है एक इतनी पृष्ठभूमि एक इतनी पृष्ठभूमि जो है इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का इतना लंबा खुद का इतना लंबा संघर्ष जिस समय इन्होंने फैसला लिया हमारे पार्टी के अंदर औपचारिक प्रक्रिया तो जो है तरीके से सही समय पर औपचारिक हो गया बाकी हो गया। यहाँ बैठे हैं।